उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मुरादाबाद के थाना मंझोला इलाके के मलगड्डा गांव में सुबह तड़के अज्ञात बदमाशों ने एक घर में घुसकर परिजनों को रस्सियों से हाथ पैर बांधकर परिजनों को बंधक बनाकर लाखों के आभूषण के साथ 1 लाख से ज्यादा की नकदी लूट ली। बदमाशों ने परिवार की महिला शाहिदा को हथौड़ा मारकर घायल कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मुरादाबाद के थाना मंझोला क्षेत्र के मलगड्डा में रहने वाली प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका शाहिदा के मकान में आधी रात 4 बदमाश घुस गए। बदमाशों ने पहले शाहिदा के हाथ पैर बांधकर बंधक बना लिया। बदमाशों ने शाहिदा के घर में रखे आभूषण व नकदी का पता पूछकर सभी सामान लूट लिया। बदमाशों ने दूसरे कमरे में सो रही शाहिदा की दोनों बेटियों के भी हाथ पैर बांधकर उन्हें भी बंधक बना दिया। लूटपाट करने के बाद बदमाश शाहिदा से और नकदी का पता पूछने लगे। जब शाहिदा ने और माल होने से इनकार किया तो बदमाशों ने शाहिदा के सर पर हथौड़े से बार कर उसे घायल कर दिया। बदमाश लूटपाट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद जैसे तैसे शाहिदा की बेटी ने खुद को आजाद किया और फिर शोर कर आसपास के लोगों को बुलाया। सूचना पर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात बदमाशों की तलाश कर रही है। शाहिदा, क्या हुआ था शाहिदा जी? मैं सो रही थी, दोनों बेटी इस रूम में सो रही थी, मैं मेरा बेटा इस रूम में सो रहा था। तो मतलब किसी के चलने फिरने की आवाज़ आई, मुझे मेरी आँख खुली तो यहाँ दो लड़के खड़े थे, चाकू थे दोनों के हाथ। चेहरे खुले हुए थे? नहीं, डांटा लगा हुआ था, चाकू थे दोनों के हाथ में। तो मेरी उन्हें देख के एकदम चीख निकल गई। मेरे रूम का गेट खुल रहा था तो जब उन्होंने जाके एकदम मेरा मुंह, मतलब हाथ से मुंह ढक दिया, मेरा मुंह दबा दिया, वो चाकू निकाल के मतलब मुझे धमकाने लगे कि अगर आवाज़ निकाली तो तुम्हें मार देंगे बच्चों को। फिर उन्होंने मुझे मतलब हाथ पैर बांध दिए, मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस के मुंह बांध दिया और फिर मेरे बेटे को भी बांध दिया। फिर इन लड़कियों के रूम में गए, इन लड़कियों को निकाल के इस रूम में ला के इन्हें भी बांध दिया दोनों को। बांधने के बाद फिर मुझसे कहने लगी कि मतलब ज्वेलरी और कैश कहाँ रखा हुआ है। कैश कितना था? 1 लाख कैश था। किस लिए रखा था घर में? मैंने रखा था। नहीं, किस लिए रखा था? कोई काम वाम था, शादी वादी? हाँ, थी मेरी प्लॉट की रजिस्ट्री करानी थी मुझे। पति क्या करते हैं आपके? जॉब करते हैं। सरकारी? जी। कहाँ? ठाकुर द्वारा में करते हैं। क्या काय में करते हैं? 4th क्लास में, पंचायत राज विभाग में। क्या नाम है? फिदाउस है। वो नहीं थे घर पे? वो घर पे नहीं थे। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वो लोग मुझे ऊपर ले गए, बोले कैश कहाँ रखा हुआ है। तो क्या लोग थे सब? वो 4 लोग थे, मैंने 4 देखे थे और बाकी शायद बाहर थे। तो ऊपर मैंने कहा ऊपर रखा हुआ है, यहाँ नहीं है कुछ भी। तो बोले चल उस कमरे में चल, निकाल के दे। तो इस रूम में ले जाके उन्होंने बेड खोला। बेड खोलने के बाद बोले कहाँ पे है, मैंने बताया यहाँ पे है इस बेड में। उन्होंने निकाल दिया जो कैश रखा हुआ था और मेरी ज्वेलरी थी। ज्वेलरी कितने की है? ज्वेलरी होगी कम से कम 2.5-3 लाख की। सारी ज्वेलरी निकाल ली, जो मेरे कानों में पहनी हुई थी वो भी निकाल लिए। मैंने उनसे कहा कि सब कुछ ले जाओ लेकिन मुझे मेरे बच्चों को नुकसान मत पहुँचाना। फिर जब मैंने उन्हें सब कुछ दे दिया निकाल के तो वो मुझे इस रूम में लेकर गए। इस रूम में ले जाके बोले बैठ जाए यहाँ पे, मैं बैठ गई। तो वो कहने लगे कि और बाकी पैसा कहाँ है? मैंने कहा और नहीं है, यही है जो था मैंने तुम्हें दे दिया। तो कहने लगे सरकारी नौकरी वाले के घर इतना ही कैश रखा हुआ होगा, और कैश नहीं है। मैंने कहा तुम मारो या कुछ भी करो, यही है वो होगी मेरे पास। तो फिर वो दोनों मतलब दोनों लड़के यहाँ पे खड़े होके उन्होंने कुछ डिस्कस करा। उसके बाद में एक लड़का अंदर गया और लाइट की मतलब रूम की लाइट बंद करी उसने, और मेरे एक तो पेच के मारा इधर साइड में, एक हथौड़ा यहाँ पे मारा और 3-4 हथौड़े मेरे सर में मार के जब मैं बेहोश हो गई मतलब खून चलने लगा मेरे सर से। बेटियाँ जग गई थी उस वक्त? बेटियों को उन्होंने बांध के डाल दिया था इस कमरे में, तीनों बच्चों को, और वो इसमें मार के मुझे जब मैं बेहोश होकर पीछे में गिर गई, खून निकलने लगा, तो वो मुझे मरा हुआ समझ के भाग गए। क्या बजे की घटना होगी लगभग? वो 1:30 बजे आए थे, 2 बजे चले गए। आधे घंटे रुके? जी।
मुरादाबाद इलाके में लूट की घटना को अंजाम दिया गया कि कितने आरोपी के क्या पूरा प्रकरण कि कल रात को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी मलगद्दा गांव थाना मजौला क्षेत्र में एक घर में चार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई और साथ ही वहां से 1,00,000 रुपये व ज्वेलरी वहां से लेके गए चले गए हैं और इस पूरे घटनाक्रम में एक महिला उसमें घायल हुई थी जिसे जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है जहां उसकी अभी स्थिति सामान्य है। इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जितने आरोपी हैं उन सबकी गिरफ्तारी पुलिस जल्द सुनिश्चित करेगी। एनी मोर क्वेश्चन?